दुनिया आपको जानती है, आपने पीरो मुर्शिद हजरत हसन का कहते हैं, ये बच्चा वो है जिसे मैं आग से दाना देकर पुकारूंगा। अब हजरत हसन अक्का कहते हैं, बच्चे ने तो खाने का इंतजाम हो गया, दिल में ख्याल आया चलो अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो कहा पहले तालाब करीब था, गए वजू किए, जमात अदा की और अब बच्चे के करीब आए। बच्चा मतलब हजरत सैयद जमालुद्दीन दाना भी करना है, वो चार महीने के थे। कहा बच्चे को कहीं अच्छी जगह से जगह बदलो और फिर अपने खाने का इंतजाम करो। तो आप फरमाते जैसे ही बच्चे के करीब आया तो मैंने क्या देखा कि जंगल के जो परिंदे हैं, जंगल के जो परिंदे हैं वो इस बच्चे के इर्द गिर्द बैठे हैं और हर परिंदे के मुंह में अलग अलग फल है, हर परिंदे के मुंह में अलग अलग फल है। यहाँ तक कि एक परिंदा जो है जिसके शहद का पूरा छत्ता ही लेकर आया। और वो बच्चा मुझे इशारे से कह रहा था, हजरत खाने का इंतजाम तो यहीं पर हो गया है। उस वक्त पहली मरतबा ख्वाजा जमालुद्दीन दाना की हाजरी में हजरत असलम हजरत हसन अता ने सारे फ्रूट को जमा किया, शहद को जमा किया और सबको जमा करके पहली मरतबा ख्वाजा जमालुद्दीन दाना का दर्जा हुआ और आपके पीरों मुर्शिद ने उस पर फातिहा। हजरत हसन अता कहते हैं, जब मैंने फातिहा पढ़ना शुरू किया तो जितने परिंदे थे वो सब गर्दन झुका के बैठे थे, सब गर्दन झुका के बैठे रहे। जब फातिहा पढ़कर फारिग हुआ तो सब अपनी गर्दन दिखाई और गोया सब अपने जमाने हाथ से कह रहे थे, हजरत आप तो खाएंगे मगर थोड़ा तवल्लुक हमको भी अता फरमाया। तो आप फरमाते मैंने उनको इजाजत दी, वो परिंदों को तुम खाओ। तो पहले उन्होंने खाया, सब ने खाया मगर इतना खाया कि हजरत हसन अता के लिए बचा कर। अब हजरत हसन अता कहते कि ये रोजाना का मामूल हो गया, जब भी खाने का वक्त होता तो वो सारे परिंदे आते अपने मुंह में एक एक फल लेकर, कोई एक आता कोई दो कोई चार, इस तरीके से फल लेकर आते और फिर वो फल जमा होते, फिर उस पर सिलसिले रश बन गया के बुजुर्गों के नाम की फातिहा होती और फिर वो लंगर आना होता जंगल में। मेरे प्यारे आका ने सलाम के प्यारे दौर ये सिलसिला बढ़ता रहा। हजरत ख्वाजा जमालुद्दीन दाना 20 साल तक जंगल में रहे, मगर आप 20 साल जब जंगल में रहे तो वो 20 साल तक सब में से किसी को भी परमिशन नहीं दी, इजाजत नहीं दी कि कोई ख्वाजा दाना से मिलने आए। कुछ खास खास अशख़ास थे, खास खास लोग थे जिनको इजाजत थी कि वो ख्वाजा दाना से मिल सकते थे और उस जंगल के अंदर उस 20 साल के अरसे में वो लोग मिल सके। बल्कि रिवायतों के अंदर यहां तक लिखा है कि बाल मजलूम बुजुर्ग को है कि उनको क्योंकि ख्वाजा दाना की विलादत से पहले उनके पीरो मुर्शिद हजरत हसन अता, उनके पीरो मुर्शिद उबैदुल्लाह अहलाल और उनके पीरो मुर्शिद ने उनको बशारत अता फरमाई थी कि तेरे सिलसिले में अल्लाह ऐसा बच्चा अता फरमाएगा जो अपने वक्त का कुतुब होगा और जो सिलसिले नक्शबंद को पूरे पूरी दुनिया में हासिल करेगा। तो उनका इंतजार उस दौर के मजलूम बुजुर्ग ने दिल को लिखा, रिवायतों में लिखा है वो मजलूम बुजुर्ग जंगलों में दाढ़ी दाढ़ी लेकर घूमते रहे मगर उनकी दाढ़ियां सफेद हो गई थी, तब तक उनको भी इजाजत नहीं मिली कि वो ख्वाजा दाना से मुलाकात करें। 20 साल तक एक मरतबा हजरत हसन अता अपने उस मुरीद जानी ख्वाजा जमालुद्दीन दाना को अपनी गोद में उठाते हैं तो खातिबे गैरी से आवाज आती है, हसन अता ये बच्चा जो है ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। आपको थोड़ा सा समझाऊं, हालांकि वक्त खत्म हो गया मगर हमारे पीर भाई ने इशारा किया कि जरूर रखा जाए तो थोड़ा सा बस खत्म करने के लिए आ रहा हूं। हालांकि मौजू ऐसा नहीं कि खत्म हो गया इंशाल्लाह, हाथ बताएगा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी आ रहा। आप देखिए अल्लाह की निशानियां क्या है, अल्लाह की निशानियों को सफा मरवा है उसे अल्लाह की निशानी कहते हैं। हाजी जाते उनके लिए जरूरी है तो उसने उसका सही करें
और अल्लाह की निशानी होती है कि अगर पूरी कौम मिलकर अल्लाह की निशानी से टकराए तो पूरी कौम खत्म हो जाती है, पूरी कौम फना हो जाती है। वो हजरत वो अल्लाह के नबी की वो ऊंटनी उसने अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह की निशानी थी और पूरी कौम उससे टकराई, पूरी कौम फना हो गई। ये अल्लाह की निशानी की शान होती है। और यहाँ पर आतिफ गैबी से आवाज दी जा रही है कि ये जमालुद्दीन दाना कोई और नहीं है, अल्लाह की निशानी में से निशानी और 20 साल तक कोई बहुत खास कम कम जो मुलाकात नहीं करती, उनमें कुछ बुजुर्ग वो थे जो लकड़ हारे थे, वो अपने वक्त के बली थे मगर खुद लकड़िया काटते थे और उससे उसको बेचते थे और उससे अपना लाभ रिस्क कमाते थे। वो लकड़ हारों में से भी ये तमन्ना किसी के उनके दिलों के दिलों में थी कि काश आज सैयद जमालुद्दीन दाना से हमारे की मुलाकात हो जाए। अब आप देखिए वो लकड़ हारे की अल्लाह ताला ने कैसे मुलाकात कराया। यहाँ गुरु खत्म हो जाता है। हजरत हसन अता ने देखा जंगल के अंदर कुछ लोग हैं जो लकड़ियां काट रहे हैं। आप उनके पास गए, उनसे मुलाकात की और आपने कहा आप लकड़ियां तो काट लेते हो? कहा हाँ लकड़ियां भी काट लेते हैं। कहा फिर तुम घर भी बना लेते हो लकड़ियों का? कहा आप घर भी बना लेते हो? कहा ऐसा करो जो हमारी झोपड़ी है वो बहुत पुरानी हो गई, तुम आओ और उसको सही से बनाओ। तो कहा ठीक है हम आते हैं। वो हजरत हसन अता उनको अपने साथ लाए। जब साथ में लाए झोपड़ी के अंदर तो उसके अंदर खाना जमालुद्दीन दाना मौजूद थी। करीब करीब 4 वर्ष की उम्र थी। जैसे ही वो लकड़ हारे मकसद को बुजुर्ग आने दिन आए करीब आए तो उन्होंने हजरत खाजा जमालुद्दीन दाना को देखा तो उनकी आंखें फटी फटी गई। खाजा हसन अता से उन्होंने कहा हजरत ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है जिसके जिस्म से नूर की शुआएं निकल रही है, जिसके बदन से खुशबू फूट रही है? अब पीर मुर्शिद ने क्या फरमाया? मुरीद की शान का पीर बयान कर रहा है, सुनो और सूरत वालों इस पर भी नाज करो कि वो खाजा दाना वो बुजुर्ग है। ये बात के वक्त के मजदूरों को भी इजाजत नहीं की जो उनसे मुलाकात के लिए जाए, वो खाजा दाना सबको छेड़ कर सूरत में आ बसे और सूरत वालों को कोई इजाजत नहीं कि जब तुम्हारा जी चाहे आओ और मुझसे मुलाकात करो। उन्होंने कहा हजरत बच्चा कौन है? तो हजरत हसन अता कहते हैं ये बच्चा वो है कि ये बच्चा इमाम हुसैन की औलाद में से हुसैन सैयद है। अच्छा कहा हजरत इसके बदन से नूर की शुआएं निकल रही है। तो कहा सुनो इसकी दूसरी खास बात ये है कि ये बच्चा वो है कि ये हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे हाल में होता है। इस बच्चे से कोई मिलने आता है तवज्जो फरमाए। इन जुमलों पर जो होते हसन अता के जुमले हैं तारीख के अंदर ये जुमले कौन किए गए हैं? हजरत हसन अता कहते हैं जब भी कभी इस बच्चे से कोई मुलाकात के लिए आता है तो रसूल अल्लाह इस बच्चे पर अपनी नजरें करम खास डालते हैं और उससे नूर की शुआएं निकलती है। हसन अता कहते हैं उस वक्त जो दुआ की जाए अल्लाह शबे जुमा में ऐसा वक्त आता है उसमें दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल
करता है शबे कदर में, शबे बरात में और उन रातों में और ऐसे ही मुकद्दस रातों में एक लम्हा ऐसा आता है बंदा दुआ करे कबूल होती है। आप देखें वो चीज होती है वक्ते दुआ मुकामे दुआ। इन वक्त में वक्ते दुआ मिले और मकामे दुआ मिले तो दुआ कबूल होती है। मगर जवाब दीन दाना का जिसमें मुकद्दस वह इस पर है कि वहां वक्ते दुआ भी है और मकामे दुआ भी है। जब भी दुआ करो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। बस यही वजह तो है कैसा भी मुसीबत जला जाए दुआ का सहारे हजरत करम की नजर फरमाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। निगाहे वही ने ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़ुल मुबीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।